इंदौर में अवैध निर्माण पर नगर निगम का फिर चला बुलडेजर। इंदौर बीआरटीएस पर नीलू पंजवानी के एबी रोड स्थित अवैध निर्माण को नगर निगम ने किया ध्वस्त। बिना कार्य पूर्णता अधिभोग प्रमाण पत्र व फायर एनओसी के ही भवन को अनाधिकृत रूप से चालू करने का प्रयास किया जा रहा था। बिल्डिंग के पार्किंग फ्लोर के ऊपर प्रथम तल पर 1.2 मीटर की बालकनी से फ्रंट एमओएस के तल तक पहुंचने के लिए प्रत्येक दुकान के सामने फ्रंट एमओएस में पक्की सीढ़ियों का निर्माण कर आगे के खुले भाग पर अतिक्रमण किया गया था, जिससे पब्लिक स्पेस खत्म हुआ, जिससे सामान्य जन को आवागमन में असुविधा होती हुई दिखी। साथ ही पहले तल की छत की ऊंचाई को कम करके स्वीकृत मानचित्र का भी उल्लंघन किया गया। इसके अतिरिक्त टेरेस फ्लोर पर 12.5 मीटर की स्वीकृत ऊंचाई के अतिरिक्त लगभग 9 मीटर ऊंचाई के लगभग 2000 वर्ग फीट की स्लैब डाल दी गई, जिससे नीचे दो फ्लोर में कमरे व बाथरूम का निर्माण भी किया गया। इस ऊंचाई के कारण फायर सेफ्टी एवं आपातकालीन सीढ़ियों के विपरीत परिस्थिति का निर्माण हो सकता है। साथ ही सड़क सेटबैक की भूमि पर भी अनाधिकृत कब्जा किया जाकर सीमेंटीकरण किया गया। इस उल्लंघन के बावजूद संबंधित द्वारा कुछ दुकानें किराएदारों ब्रांड्स जैसे जोडियो एवं डी कैथलॉन को देखकर आंतरिक साज सज्जा का कार्य भी लगातार करता हुआ दिख रहा था। कार्यवाही में 4 पोकलेन मशीन, 5 जेसीबी मशीन व 150 कर्मचारियों द्वारा कार्य को अंजाम दिया गया। कार्यवाही के दौरान अपर आयुक्त संदीप सोनी, एसडीएम प्रतुल सिंह, उपायुक्त लता अग्रवाल, भवन अधिकारी अनूप गोयल, गजल खन्ना, भवन निरीक्षक अंकेश व अन्य निगम अधिकारी उपस्थित थे।